A very good afternoon to everyone. The editorial that we are going to discuss today is related to flood in Pakistan, and you all know that the Pakistan is the country who is suffering from flood right now, and many of the countries have come forward to help this Pakistan. India in the same way has shown condolences towards the country, and it has tried to mitigate the problems that it is facing. But at the same time, we need to understand the geopolitical relationship of Pakistan and why India has responded to it. So without wasting the time, let me start this editorial, and it starts with floods and foes. Flood ka matlab baad hota hai and foes ka matlab shatru hota hai. Ek to Pakistan hamara shatru hai, वहाँ बाढ़ आया हुआ है, और इस शत्रुता के दौर में जो फ्लड की स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे. अब बात ये रही कि इसका जो टाइटल है फ्लड्स एंड फोज क्यों रखा गया. इसलिए रखा गया है कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन तो है, लेकिन फ्लड की वजह से थोड़ा सा दुश्मनी में कमी आई है. हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहाँ के जनता के प्रति संवेदना दर्ज करवाई है अपने ट्वीट के माध्यम से, और जिसके वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में हमारा ये हो गया. इस एडिटोरियल में देख रखते हैं कि बात होगी पाकिस्तान में जो फ्लड आया हुआ है उसके बारे में, एंड इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है उस बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी. इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईज अदर ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स. भारत और पाकिस्तान नेचुरल डिजास्टर्स के दौर में एक दूसरे की मदद करने में आगे आए हैं. यानी हमेशा से ऐसा रहा है कि जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैसेज है इन अ ट्वीट ऑन मंडे इवनिंग, जो कि अपने ट्वीट के माध्यम से मंडे को उन्होंने किया था, एक्सप्रेसिंग कॉन्डोलेशंस टू द विक्टिम्स ऑफ फ्लडिंग इन पाकिस्तान. उसके प्रति, यानी वैसे व्यक्ति जो कि फ्लड के शिकार हो गए हैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं. इज़ अ वेलकम जेस्चर, एक तरह का एक वेलकम मूव कहा जा सकता है, जेस्चर कहा जा सकता है, स्पेशली आफ्टर वीक्स ऑफ साइलेंस ओवर व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स. खास करके तब जब कई वीक्स तक साइलेंस रहा गया इस मामले को लेकर के, जो कि सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर्स में से एक था जो हमारे नेबरहुड में रिसेंट में देखने को मिला है. मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड, करीब 1100 लोगों की मौत हो गई है इस फ्लड की वजह से. एंड ओवर 33 million पीपल हैव बीन अफेक्टेड, और करीब 33 million ऐसे लोग हैं जिससे इसे प्रभावित हुए हैं. एज ऑफिसर्स से 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर वाटर, करीब 1/3 जो है देश का, यानी 1/3, यानी 1/3 भाग जो है वो कंट्री का पानी के चपेट में है. एंड एस्टिमेट अबाउट $10 billion इन डैमेज टू होम्स रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, करीब 10 billion का नुकसान है होम्स रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे. द फ्लड्स हैव आल्सो अफेक्टेड स्टैंडिंग क्रॉप्स, ये जो बाढ़ है जो वहाँ पे क्रॉप्स यानी जो फसल लगाए गए थे उसको भी प्रभावित किया. साथ ही एंड एज द वाटर्स रिसीड, जैसे ही पानी कमेगा तो फियर्स ऑफ डिजीज एज वेल एज फूड शॉर्टेज आर एक्सपेक्टेड टू राइज. तो धीरे धीरे जैसे ही पानी कमेगा तो वहाँ पे अलग प्रकार के जो डिजीजेज होंगे वो फैलेंगे, और साथ ही खाने पीने की भी तंगी हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है. इन एडिशन, साथ ही द वरी दैट डिवेस्टेटिंग फ्लड्स हैव बीन कॉज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इन अ वरी टू फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया. ये जो विनाशकारी बाढ़ आया हुआ है वो किसकी वजह से है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है. वन ऑफ द इंडियाज रीजन्स मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग, एशिया का एक रीजन जो साउथ एशिया है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखता है. वल्नरेबल का मतलब कमज़ोर, नोट कर लीजिएगा, कमज़ोर नज़र आता दिखता है ग्लोबल वार्मिंग के वजह से. ऑन ट्यूसडे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज लॉन्च्ड अ ग्लोबल अपील फॉर एड टू पाकिस्तान.
ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने पूरे जो ग्लोबल से यानी पूरे वैश्विक स्तर पे उन्होंने अपील किया है कि पाकिस्तान की मदद की जाए। दैट ही सेड हैड बीन हिट बाय अ मानसून ऑन एस्टेरॉइड, उन्होंने कहा कि जो मानसून है वो ऑन एस्टेरॉइड है यानी जो ख़त्म होने की स्थिति में है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे आया है। इंडिकेटिंग अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न्स, और जब अब मानसून ख़त्म होने वाला है तब ऐसी बाढ़ वाली स्थिति हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दरअसल क्या हुआ है कि जो आप देख रहे हो कि हमारा साउथ इंडिया अभी पानी में डूबा हुआ है, बारिश बाढ़ में डूबा हुआ है, वही हमारा जो राज्य है बिहार अभी सुखाड़ झेल रहा है, यानी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पैटर्न भी वर्षा होने का वो बदल गया है। कंट्रीज सच एज यूके, द यूएस, चाइना एंड यूएई, कतर एंड टर्की हैव ऑलरेडी डिस्पैच्ड एड टू पाकिस्तान। इन कंट्रीज़ के द्वारा, यूके, यूएस वगैरह के द्वारा पाकिस्तान की मदद करने के लिए ऑलरेडी जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्पैच कर दिया गया है। एंड मेनी अदर्स हैव प्रोमिस्ड हेल्प, और कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि मदद का वादा किया है। वहीं अगर IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें, इसने अनाउंस किया है कि करीब 1.1 बिलियन बेल आउट यानी बिना किसी भी एक होता है कह सकते हो कि बिना कोई ये इंटरेस्ट वगैरह का जो मदद करने का ऐलान किया गया है, ट्यूसडे को इसने ऐलान किया है। एज पार्ट ऑफ ऑन गोइंग निगोशिएशंस विद द कंट्री दैट इज़ ऑलरेडी स्टीप्ड इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये जो ए पार्ट ऑफ निगोशिएशंस है, बातचीत हो रही है उस देश के साथ, जो देश यानी पाकिस्तान की बात हो रही है जो पहले ही बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल रहा है। गिवन दैट, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसिडरिंग है और गिवन यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है। गिवन दैट द क्राइसिस विल ओनली डिपेन एट द पॉइंट दिस पॉइंट, एक ध्यान में रखते हुए कंसिडर करते हुए कि जो ये क्राइसिस है और वो बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल ऑल्सो सेड ऑन मंडे दैट ही मे प्रपोज लिफ्टिंग द ट्रेड बैन इम्पोज ऑन इंडिया आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019। कहा जा रहा है कि वहाँ के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड का बैन चल रहा था, जो कि 2019 में कश्मीर में जो बदलाव हुआ, धारा 370 वगैरह हटाया गया, उस समय ऐसे दोनों के ऊपर लागू है, ऐसी स्थिति में वो दोनों चाहेंगे कि वो जो बैन है ट्रेड पे वो लिफ्ट हो यानी हटे। सो एज टू इम्पोर्ट इंडियन वेजिटेबल्स एंड इसेंशियल कमोडिटीज़, ताकि भारत से जो इसेंशियल वेजिटेबल्स हैं उसका आयात किया जा सके और साथ ही जो भी कमोडिटीज़ हैं, वस्तुएं हैं, यहाँ से मंगाया जा सके। दस फार अभी तक जो है इस्लामाबाद हैज़ ओनली मेड एक्सपेक्टेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स फ्राम इंडिया ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। अभी तक इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान के तरफ से ऐसा एक्सपेक्टेशंस जारी किया गया था कि भारत जो है उसकी मदद करेगा COVID-19 वैक्सीन को लेकर के, उस समय ही केवल कहा गया था। एंड इंडियाज़ ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान, डिस्पाइट द पुअर स्टेट ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों के बावजूद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद मस्ट पुट असाइड देयर डोमेस्टिक कंसिडरेशंस एंड सीज द मोमेंट टू हेल्प those standards in the flooding as best they can। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास के बावजूद इस्लामाबाद और दिल्ली को चाहिए कि जो भी आपके डोमेस्टिक मैटर्स है उसको साइड में रखते हुए जो अभी मोमेंट है जिसमें मदद की ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करना चाहिए। इंडिया कैन नॉट प्राइड इटसेल्फ एज बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, भारत इस बात को लेकर के अपने आप को प्राइड महसूस नहीं करवा सकता है कि वो इस मामले को लेकर के वो पहला रिस्पॉन्डर है इन द नाइबरहुड एज इट हैज़ बीन फॉर नेपाल, लेकिन जब नेपाल के केस में था तो पहले भारत आगे आया था, श्रीलंका के केस में भारत पहले आया था, मालदीव्स के और अफगानिस्तान के केस में भारत पहले आया था, लेकिन पाकिस्तान में जब ऐसा हुआ तो भारत पहले नहीं आया। इस बात को लेकर के भारत किसी प्रकार का कोई प्राइड फील नहीं कर सकता है। इफ़ इट फेल्स टू सी द सफरिंग राइट एट द एट इट्स लैंड बाउंड्री विद द पाकिस्तान,
इट वुड बी, अगर ये नहीं देख पाता है भारत कि उसके बाउंड्री के पास जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो इट वुड बी चरलिश। चरलिश का मतलब होता है एक तरह का कह सकते हो कि हट्टी एंड शॉर्ट साइटेड ऑफ पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज़ ओनली हर्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। कह रहा है कि यहाँ पे एक तरह से कहो कि घमंड वाली बात हो जाएगी अगर भारत को ऐसा नहीं नज़र आता है तो, साथ ही जो अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा होता है तो समझ जाया जाएगा कि वो अपने इंटरेस्ट को केवल बनाए रखने के लिए अपना ही नुकसान कर रहा है। एंड टू गिव अप अ सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाइज एट अ टाइम ऑफ सच क्लैमिटी। और भारत के साथ अगर ये बैन को हटाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत अफोर्डेबल प्राइस पे या फिर कम ही दाम पे इसको सारे जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध करवा सकता है। एंड इट वुड बी बोथ ट्रैजिक एंड रिडिकुलस इफ़ द इनमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट अलाउ देम टू वर्क टुगेदर। एक तरह के बेढंगा होगा जब दोनों देश ऐसी परिस्थिति में भी दुश्मनी निभाएंगे, दोस्ती नहीं निभाएंगे तो, और ऐसे समय में भी अगर साथ काम नहीं करेंगे तो इससे बड़ा रिडिक्यूलस बेढंगा बेवाक बाहियात कुछ हो ही नहीं सकता है। इवन एज देयर गवर्नमेंट्स अलाउ देयर क्रिकेट टीम्स टू प्ले ईच अदर फॉर फिनेंशियल कंसिडरेशंस, यहाँ तक वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर सकती है दोनों ही देशों के क्रिकेट टीम्स को खेलने के लिए ताकि फिनेंशियल प्रॉफिट्स हो जाए। सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आर ड्यू टू ट्रेवल उज्बेकिस्तान इन सेप्टेम्बर फॉर SCO समिट। और उसके अलावे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों को उज्बेकिस्तान में होने वाले SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली है उनमें उन लोगों को मिलना है, उसमें कुछ बातें हो सकती हैं। वाइल अ मोर लास्टिंग डायलॉग दैट हैज़ बीन सस्पेंडेड बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर नियरली अ डिकेड ओवर द टेररिज्म इशू। कह रहा है कि हालांकि ये जो लास्टिंग डायलॉग है यानी जो कभी ख़त्म न होने वाला डायलॉग है जो कि सस्पेंड है लंबे समय से, करीब डिकेड से ये सस्पेंड है टेररिज्म के इशू को लेकर के, इज़ अनलाइकली। द लीडर्स मस्ट फाइंड द टाइम टू डिस्कस वेज टू मिटिगेट द कैटास्ट्रॉफ एट हैंड। हालांकि ये बात कहना कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा वो असंभावित है, लेकिन फिर भी दोनों ही देशों के जो नेताओं को कोशिश करनी चाहिए ये जो कैटास्ट्रॉफ है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब जो उथल पुथल मचा हुआ है अभी, एट हैंड का मतलब क्या हुआ, एट हैंड का मतलब होता है जो नज़दीक में, जो सामने जो अभी उथल पुथल है उसको मिटिगेट करने का प्रयास करना चाहिए, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए यही कहानी रही आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।